Subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. सबके सब क्या बात है? कौन कौन है? अरे कौन बोला? यहां देखो, कहां? इधर इधर पीछे स्टूपिड बैगर, अभी ऊपर देखो। अरे आप, आई एम लॉर्ड वेलिंगटन, तुम किस काम के लिए यहां आया? अजीब शहर है, इंसान गायब है, पत्थर बोलते। क्या बड़बड़ आ रहा है तुम? ओ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, कहानी के लिए आया हूँ, लेकिन टाउन के सब लोग कहाँ गए? इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जिसका हीरो है प्रेम। A strange funny fellow that boy was, प्रेम। Come here, wipe the crow shit off my back. What, sir? कौवा मेरे पीछे टट्टी करके गया है, साफ करो, you dumb fellow. Yes. Prem and problems are like twins. जुड़वा है, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रॉब्लम है, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रेम। पीछे हटो, हट जाओ, कोई आगे नहीं आएगा, हटो, हट जाओ, हट जाओ।
No. क्या बहादुरी से पकड़ा डाकू को, सुपर प्रेसिडेंट, सुपर। क्या काम किया यार, छोड़ूंगा नहीं। कमाल कर दिया यार प्रेम, छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बात है प्रेम, ये अरे हीरा है, हीरा। जय हो प्रेसिडेंट प्रेम की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चुप चुप, क्या जय हो, जय हो। अबे ओ गंजे परदेसी, अबे टकले चुप क्या रहा है? तूने मुझे फिर से बिना ब्रेक की साइकिल दे दी, वो तो भला उस आदमी का जिसे मैं टकरा के बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। लो जी सुनो जी, ये तो बिना ब्रेक की साइकिल की वजह से डाकू से टकराया, हमने तो समझा अपनी बहादुरी की वजह से डाकू को पकड़ा। छोड़ो जी। अरे हेलो, प्रेम शंकर शर्मा, प्रेसिडेंट हैप्पी क्लब स्पीकिंग। हैप्पी क्लब का मेंबर बनना है? नहीं जी नहीं, क्या है ना, मेंबरशिप के लिए बहुत बड़ी डिमांड है, 6 मंथ का वेटिंग लिस्ट है। हेलो लो, नहीं वो स्पेशल केस में मिल सकता है ना? हाँ सिर्फ 4,999 रुपए। राइट, नहीं नहीं चेक नहीं, हम सिर्फ कैश लेते हैं। बराबर। पैसे अगले महीने दोगे? अबे कड़के, यहाँ फोन करके प्रेसिडेंट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कड़का वो नहीं, हम है। हैप्पी क्लब का बैंक बैलेंस जीरो है। आजकल बाप लोग भी दिल खोल के पैसा नहीं देते। बाप होते क्यों हैं? एग्जैक्टली, आज हर बुढ़ा बाप जवान बेटे का दुश्मन बन गया है। दुश्मन तो तू है मेरा रास्कल। शट अप डैडी के बच्चे। अच्छा हुआ आज सारे रास्कल एक साथ मिल गए। इन नालायकों को तू ही लाया था ना यहाँ? नहीं नहीं अंकल, ये नालायक किस काम का? हम लाए थे इसको आपके पास, आपको पटाने के लिए। तब कैसा फेस बनाकर आए थे और क्या कहा था? अंकल इस टाउन को हैप्पी रखने के लिए हम एक छोटा सा हैप्पी क्लब खोलना चाहते हैं। आप हमें 2 कॉफिन की जगह दे दीजिए, हम पांचों जिंदा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। और आज देखते देखते तुम्हारा हैप्पी क्लब बड़ा होता चला गया और मेरा सारा कॉफिन शॉप कोने में घुस गया। अंकल ये तो अपने अपने विचार और कर्मों का फ्रूट है। कैसा विचार और क्या कर्म, क्लब बंद, चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं अंकल, देखिए हम अच्छा काम करते, जवान लड़कियों की रक्षा करते, ऐसे भटके हुए नालायकों को रास्ता दिखाते, प्यार करने वालों को मिलवाते। शट अप, तुम लोगों का बहुत कंप्लेंट आया है, अब मेरी इस जगह में तुम लोगों का डर्टी क्लब नहीं चलेगा। अंकल नहीं, ये अंकल की जगह है, अंकल डिसाइड करेंगे। क्या आप ग्रेट हो, महान हो, जस्टिस हो, जोधा अकबर हो, आप तोप हो, मैं तो कहता हूँ आप पोप हो। अब आप ही डिसाइड करेंगे कि किसका काम डर्टी है, आपका या हमारा। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल हैप्पी क्लब यही चाहता है कि लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और एक आप है कि चाहते लोग मरे और आके आपकी कॉफिन में गिरे। अब किसका काम डर्टी है सोच के बताइएगा, आपका गॉड देख रहा है। वैसे अंकल हमारे हैप्पी क्लब का मेंबरशिप खुला है, बट बूढ़ों को 50% ऑफ है, सिर्फ 2,999 रुपए। सॉरी अंकल, हम सिर्फ कैश लेते, नो चेक्स, डेबिट। तेरा बाप मेंबर बन गया, जप्पी पा, जप्पी पा। प्रेसिडेंट आपने क्लब को तो बचा लिया, अब इस देवदास को भी बचा लो जो देवी के प्यार में मरा जा रहा है। अबे चंदर यार एक बात बता, ये प्यार होता क्या है? तू कहता है कि उसकी याद में बैठे बैठे गुम हो जाता है, कहाँ गुम हो जाता है और फिर मिल कैसे जाता है? हसले हसले, कल जब ऐसा तेरे साथ होगा ना तब पता चलेगा। Hey, come on यार, तू तो बड़ा सीरियस हो रहा है। अरे सीरियस नहीं हो तो क्या हूँ, कब से मैं चिल्ला रहा हूँ हेल्प हेल्प, कल अगर देवी मेरी नहीं हुई ना तो फिर कभी नहीं होगी और मैं सुसाइड कर लूंगा। Hey, नो वरी चंदर, तू हैप्पी क्लब का मेंबर है यार, और प्यार करने वालों को मिलवाना हैप्पी क्लब का रूल है, क्यों दोस्तों? Right? बिल्कुल, लेकिन दोस्त शादी का खर्चा लगेगा। अरे दे दूंगा ना यार, और हैप्पी क्लब का कमीशन अलग से, वो भी दूंगा। अच्छा सुन सुन, तेरा प्यार सच्चा है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसका प्यार सच्चा है इसका कोई प्रूफ, लेटर वेटर है ना? लेटर है ना बहुत सारे, वो मुझे रोज नया भेजती है, ये देख लेटेस्ट। लकी बॉय, ये तो खाली है। प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, फीलिंग्स, ओनली फीलिंग्स। अ
अबे कुन्नू तूने गाड़ी इतना दूर क्यों खड़ा किया यार? मैंने मना किया था, मैं पास नहीं जा सकता ना, चार चार लेडी जैसे जेंट्स बॉडीगार्ड। क्या मतलब चार चार जेंट्स जैसे लेडी बॉडीगार्ड देवी के पास होते हैं ना, बहुत डेंजरस लोग हैं। एक बार इतना मारा था मुझे, इतना मारा था। अबे देवी के देवदास, हम यहाँ से उसे पहचानेंगे कैसे? मैं लाया हूँ ना। अभी दूरबीन पे ही हनीमून मनाएगा क्या? बता। वो रही बुकशॉप के पास पीले ड्रेस में। क्या मतलब तेरा? ये सचमुच तेरे से प्यार करती है? हाँ यार, बताया था ना वो लव लेटर्स। हाँ, वो फीलिंग्स वाली। हाँ। यकीन नहीं आ रहा यार। प्रेसिडेंट मुझे भी बताओ ना। वो बुकस्टॉल के सामने पीली ड्रेस पहनी उसने। अरे रे रे रे, तू इससे शादी कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया तू? अबे पागल तो वो हो गई है बेचारी जो रिक्शा के साथ भाग रही है। इसके साथ तो भागेगी ना, लेकिन इसकी अकल कहाँ गई थी? उससे शादी कर रही है। अबे गोबर गणेश, तू इस पे तरस खा रहा है? मुझे तो उस पे तरस आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, आज अगर देवी को नहीं उठाया ना तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। देखो आसपास कोई गार्ड भी नहीं है, जल्दी करो। हाँ जा रहे जा रहे जा रहे। सब समझा दिया ना कि मारे और उठा रहे? हाँ सब समझा दिया। चल लखन ये पकड़। और सुन, कोडवर्ड है आती क्या खंडाला। देख लेना प्रेसिडेंट, वो थोड़ा सा मुझसे नाराज है। जैसा चंद्र ने कहा है, गार्ड्स आसपास नहीं है। चांस अच्छा है। दूसरे से जा, तुझे मिली तो कोड बता के उठा लेना। मैं इस तरह से जाता हूँ। यस प्रेसिडेंट। ओवर एंड आउट। आती क्या खंडाला? 3,000 दोगे तो खंडाला क्या, पटियाला भी चलूंगी। आपके पास 2,000 रुपए है? क्यों? मेरे पास 1,000 रुपए है, वो चंदर पैसे बचा रहा है। देवी 3,000 रुपए में खंडाला के आप पटियाला चलने को तैयार है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ वो देखो, she's ready। ब्यूटीफुल, तू किसके पीछे चला गया? देवी। देवी यानी देवी वहां खड़ी है। तू जा वैन में जाके बैठ, मैं देवी को लेके आता हूँ। 5 चक्कर लगा चुकी हूँ मिस्टर दारोवाला, अगर आप पप्पी अरेंज नहीं कर सकते तो प्लीज रिटर्न माय एडवांस। मैडम बस यूं समझिए कि मेड टू ऑर्डर पपी मिला है। आजकल इन पपियों की बड़ी डिमांड है, उसे कोई उठा ना ले इसलिए मैनेजर ने अपने पास रख लिया। पता नहीं कहां चला गया ये मैनेजर, मैं देखता हूं, उसे अभी बुलाता हूं। ये आती क्या खंडाला? खंडाला? हाँ। अब उस कुत्ते के लिए मुझे खंडाला आना पड़ेगा। कुत्ता? देखिए मैडम, मैं जानता हूँ कि आप नाराज है, पर उसे कुत्ता कहना तो ठीक नहीं है ना। ओके कुत्ता नहीं, पिल्ला। पिल्ला? ओके पिल्ला ही कह लीजिए, आपका ही है। वो है कहाँ? माँ माँ वैन में। चलिए चलिए। नाखून कितने हैं? हाँ जी 10 है। तुम्हारे नहीं उस कुत्ते के। जी सॉरी, पिल्ला पिल्ला। पिल्ला के नाखून 19 या 21 होने चाहिए। हाथ के 10, पांव के 10। देखिए जितना मैं जानता हूँ 20 तो डेफिनेटली है। उफ़ लिसन टू मी, मैं कान से उठा के चेक करूंगी उसे। क्या? कुत्ता का ये या पिल्ला, आपका है, जैसे चाहे चेक कीजिए। आप रुकिए मैं ले आता हूँ। उसको लेके आ रहा है एक कुत्ते। क्या कह रहा है यार? मैं नहीं, वो कह रही है बहुत नाराज है तेरे से, कह रही है कि कान उठा के चेक करेगी। हाँ मामला टाइट है, चल चल। देवी देवी देवी। अबे कहाँ जा रहा है ये देवी? पिल्ला। What nonsense? ये किसको उठा लाया तू? उठा लिया? What do you mean? अच्छा ये तेरी वाली नहीं? Very good. What good? नहीं हम हैप्पी क्लब से गलती हो गया, हम एक्चुअली लड़की को उठाने आए थे और गलती से। You mean kidnapping? नहीं 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 नहीं। Kidnappers! Police! Police! Kidnappers! नहीं नहीं नहीं। क्या लड़की है यार, बाल सिल्की सिल्की, काल मिल्की मिल्की, ये तो चलती फिरती वनीला आइसक्रीम है। अरे क्या कर रहा है प्रेसिडेंट? वो देख मेरी देवी जा रही है।
अरे उसके साथ गार्ड्स भी है, वो मॉल में मॉल के अंदर चली गई, अब क्या करोगे? अरे नो वरी यार, प्लान भी है ना मेरे पास, ऑपरेशन देवी बनेगी तेरी बीवी। हाय अल्लाह, कल वो लड़की को छेड़ता है। जब से तेरे नैना चल हट रे मुई। हाय नूरी, तुझ पे कलर कितनी अच्छी लगेगी। आती क्या करना ला? ओके। ये क्या हुई, ये कैसी आवाज आती? तो बुरके वाली आई थी। अरे देवी किधर है? ये पठान कहाँ से आ गया? हमको डर लगती। ओए, तुम पठान की बेगम होकर डर लगती? छोटी बेगम, मोटी बेगम, चलो हम जाती। अरे देवी किधर है? ए, ए, कोई नहीं जाएगा, सबकी तलाशी लेंगे, सबका चेहरा देखेंगे। वही 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 लाहौल विलाकुवत। तुम कभी इसका बच्चा बाची है या बाचा में कुछ पता नहीं चलता। तुम सुल्तान है, सलमान है, शाहरुख खान है, तुगलक का बेगम का चेहरा देखना चाहती? एक पठान के बेगम का चेहरा देखना चाहती? हमने अभी तक टिक्शन नहीं देखा, तुम देखना चाहती? रुको, हम अभी अपने ब्रदर इसामा को फोन लगाती, वो आके तुम्हारे सर पे बॉम्ब फोड़ती। ब्रदर पे अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, जा सकते। नूर नजर लख से जिगर, हम जाती। ए, वो रही देवी, पकड़ो उसे, चलो निकलो। को मार चुका है ये एनकाउंटर किंग टेरर देश सिंह। शाम तक देवी और उसका प्रेमी मिल जाए तो सेंचुरी पूरी, और अगर नहीं मिले तो चौका। तुम चारों को मार दूंगा। एक दूसरे को माला पहनो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधके विवाह संपन्नम। नो वरी यार, टेरर तेज सिंह को हमारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। चलो खाना खाते। पैसे तो है नहीं। अरे कोई नहीं कोई नहीं, फ्री खाएंगे। फिर से यही? अरे आज फिर आ गए? तमीज से बात करो, प्रेसिडेंट आए हैं। अरे बोल ऐसे रहे हो जैसे देश के प्रेसिडेंट आए। हो जाएंगे एक दिन, वो भी हो जाएंगे। बात करता है। ऑर्डर ले। चार तंदूरी चिकन, दो भेजा फ्राई, एक मटन ग्रेवी, एक तंगड़ी कबाब। अरे यार फिर वही, कितनी बार कहा है कि मेरे साथ वेजिटेरियन खाया करो, मुझे चिकन और मटन की स्मेल से ना उल्टी आती है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेजॉरिटी नॉन वेज वालों की है। हाँ। खाओ, पाप लगेगा। मेरे लिए कढ़ाई पनीर और एक दाल फ्राई। निकालो 1350 रुपए। क्या? खाने के पहले पैसे? ये कहाँ का रूल हुआ भाई? बढ़िया रूल है, आप जैसे मुफ्त खोरों के लिए बनाया है खास। क्या है पापा, आज हमारी हालत थोड़ी टाइट है। पापा बेटे का रिश्ता घर में, धंधे में नहीं। ओके शिवशंकर। बेशरम, बाप को नाम से बुलाता है। पापा नहीं बोल सकता, नाम भी नहीं ले सकता, तो बोलू क्या? तू कुछ मत बोल। पैसे निकाल। डेविड चाबिला। लेकिन डैडी। अबे तेरे डैडी महान इंसान है, देवता समान है। हाँ, मैं राक्षस हूँ। 8 लाख की गाड़ी है, कल पैसे देके गाड़ी लेके जाऊंगा। ठीक है, सबको खाना दो फ्रेश। हाँ, कल का बचा कुचा नहीं। लुक क्या दे रहे हो, खाना लेकर आओ। मुझे फिर बेवकूफ बना गया, मुफ्त खाना खाया और वैन लेकर निकल गया, चीटर। बहुत सहन कर लिया मैंने, अब बस। हम दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। नहीं नहीं पापा प्लीज, ऐसा मत कहिए। अब मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अच्छा मेरे लिए नहीं, पर माँ की खातिर तो ऐसा मत कीजिए। किसी की खातिर भी नहीं शारदा, कह दो इस लड़के से मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। पापा पापा प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तू चाहे पैर पड़ ले, मेरा फैसला फाइनल है, हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन इस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपकी बूढ़ी हड्डियों में ना जान है ना आवाज में दम, खुल के भीख भी नहीं मांग सकते। मैं ऐसी आवाज देनी पड़ती है। चुप, मेरे जाने की नहीं तेरे जाने की बात हो रही है बेवकूफ। नहीं नहीं, ये तो और शर्म की बात हुई, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि लाचार बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर जवान बेटा बाहर ऐश कर रहा है। ए, तू क्या ऐश करेगा? ऐश करने के लिए भी कैश चाहिए, निकम्मा एक पैसा कमा नहीं सकता।
ऐसे बेटे के तो होने से ना होना बेहतर है। ए पापा, आप बेटों की इंसल्ट कर रहे हैं। मत भूलिए, इस दुनिया में बेटों ने ही नाम कमाया है, बापों ने नहीं। ये क्या नहीं बकवास कर रहा है? गांधी जी महात्मा, रियल ही मैन, जिसने लाठी लिए अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के भगाया। उनके बाप का नाम जानते हैं आप? शास्त्री जी, लाल बहादुर। इतने से थे, इतना बड़ा काम किया, प्रधानमंत्री बने। उनके बाप का नाम सुना है आपने? माइकल जैक्सन, जिसके डांस में पूरी दुनिया नाची। उनके बाप का नाम सुना है आपने? हेलो हेलो, इधर ध्यान दीजिए, प्रेम शंकर शर्मा, प्रेसिडेंट हैप्पी क्लब का। उसका बाप क्या करता है? ए! मेहनत करके रोटी कमाता है, तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। कूल क्या? कूल लामा कूल। पढ़ाई छोड़ दी, अरे काम छोड़ दिया, अब घर क्यों नहीं छोड़ता? ए, लुक क्या दे रहा है, चल निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो जवान? तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ और तू बाहर जा। चल बेटा, घर चल। नहीं माँ, पापा की बात का बुरा नहीं मानते बेटा। प्रेम, ए प्रेम, माँ मेरी वजह से तुम्हें भी पापा की डांट सुननी पड़ती है। उनके मन में कुछ नहीं होता रे, उन्हें तेरी चिंता है। जानता हूँ, यही ना कि लाइफ में करूंगा क्या, ऊपर से हकलाता भी हूँ कभी कभी। कौन कहता है तू हकलाता है? थोड़ा रुक रुक की बात करता है बस। उसी को हकलाना बोलते हैं माँ। वो तब जब तेरा दिल भर आता है तब तब बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बेटा। तुम बहुत अच्छी हो माँ, देख लेना एक दिन मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा काम करूंगा कि मेरा फोटो फ्रंट पेज पे छपेगा, फिर तू खुश और पापा भी डबल खुश। अब कुछ काम वाम करके घर पैसे ले जाने पड़ेंगे, तभी इज्जत बनेगी। कब से कह रहा हूँ, मेरे चाचा का एक फ्लैट खाली पड़ा है, हम किरायेदार ढूंढते हैं, कमीशन मिलेगा। वो हेवन अपार्टमेंट, सेकंड क्लास बिल्डिंग का थर्ड क्लास फ्लैट, हाँ। कोई नहीं लेगा। अरे कोई ना कोई बेवकूफ मिल जाएगा, और नहीं मिला तो किसी को बेवकूफ बना देंगे। आइए पिंडो अंकल, मेरा आपका आलीशान फ्लैट। मेरा फ्लैट? अभी तो देखा भी नहीं ठीक से। देखिए ना, रोशनदार, हवादार, शानदार। आपको इससे अच्छा फ्लैट कहाँ मिलेगा अंकल, है ना? फर्स्ट क्लास ही फर्स्ट क्लास राजू। कोई गधा, बेवकूफ, उल्लू का पट्टा ही होगा जो बोलेगा अच्छा नहीं है। आपको कैसा लगा अंकल? अच्छा है। देखा, देखिए पसंद कर लिया। पिंटू, तुमको यही घर मिला? क्यों, है ना फर्स्ट क्लास? अरे कोई बेवकूफ गधा उल्लू का पट्टा ही होगा जिसे कि ये फ्लैट पसंद नहीं आएगा। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन लो, मैडम को भी पसंद आ गया। चलो जी, हमारा कमीशन निकालो, 10,000 रुपया। मगर बात तो 6,000 रुपए का हुआ था। हाँ, 6,000 फ्लैट का कमीशन और 4,000 हैप्पी क्लब का मेंबर बनने का। ये तुमने कब कहा? अभी कहा ना। नहीं 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 नहीं, हमें कोई मेंबर वेम्बर नहीं बनना है। अबे 4 फुट, अगर तुझे यहाँ हैप्पी रहना है तो तुझे हैप्पी क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। क्या हो रहा है डैडी? कौन? तुम? अरे ये तो बैटरी है। ये लोग यहाँ कैसे? डैडी ये तो किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स? नहीं नहीं नहीं, उस दिन मॉल में ये लोग कोई लड़की उठाने आए थे। वो लड़की खुद उठना चाहती थी। नॉनसेंस। ओ गॉड पिंटो, इसको जल्दी बाहर निकालो। तुम हमारे पैसे निकालो, हम निकलते हैं। किडनैपर्स को एक पैसा मत दो। हम बिना पैसे नहीं जाएंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले। हम वैसे भी नहीं मानने वाले। कैसे नहीं मानोगे? मुन्ना नीचे सामान उतार रहा है, वो तुमसे बात करेगा, कॉल हिम। मुन्ना? कोई मुन्ना आ रहा है? क्या हो रहा है? तू कौन है बे? तू स्टूल पे क्यों खड़ा? मुन्ना राजा,
डरमत डरमत चले गए। कुछ कहा आपने? चले गए। प्रॉब्लम साउंड कोई प्रॉब्लम नहीं जी, पहले इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, आप आ गए इनकी बातों में वेट आ गए, अब समझ गया। गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून, ये रहा आपका लवली पपी। यही तो तुम्हें देने वाली थी तुम्हारे बर्थडे के लिए, और ये अभी ला रहे हैं। चलो ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। थैंक यू। हे सैंड्रा। ओके जेनी, बाय बाय। सॉरी मैडम, मैं ये पहले ही ले आता, मगर दिन रात मैं पुलिस के चक्कर ही काट रहा हूँ। क्यों? अरे जिस दिन आप आई थी ना, उस दिन मॉल में कुछ लड़कों ने एक औरत की किडनैपिंग कर ली। अरे पता है वो किसकी बीवी थी? टेरर तेज सिंह की। उन लड़कों ने बीवी भगाई, अब टेरर तेज सिंह हमें भगा रहा है, पता नहीं कौन थे। हाँ मैं जानती हूँ उन्हें, आप अभी तेज सिंह को चर्च के पास बुलाइए। भागो 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 भाग भाग अबे भाग भागो भागो। लखन लब जबर। अबे रुको 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 रुको, हम भाग क्यों रहे? वो टेरेटिक से भागते भागते बता। टेरेटिक से आ रहा है। अरे अरे भाग जल्दी। लेकिन उसको हमारे बारे में कैसे पता चला? अरे जेनी को तो पता है, उसी ने यहाँ बुलाया है। हैप्पी क्लब, हमसे बदला लेते। अरे भाग। रुको 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 रुको। अब क्यों रुके? जहाँ से शुरू किए थे वहीं आ गए हम। अरे काम मरने चले गए थे तुम लोग? अरे जीने के लिए भागे थे, मरेंगे तो अब। वो आ गया मारने। पक्की खबर नहीं आना था, चर्च के पास ही बुलाया। वो भी आ गए। कौन? दारू वाला, चर्च तो आ गया, यही बुलाया था ना? बस आती होगी, जरा पूछते यहाँ पे। हाय हाय हाय, आ गई, ये है जेनी मैडम, ये उन लड़कों के बारे में जानती है जिन्होंने आपकी बीवी को किडनैप किया है। हा? कौन है वो लड़के? ये नहीं नहीं, ये तो अच्छे लड़के हैं, हैप्पी क्लब वाले, ये सबकी हेल्प करते हैं, मैं भी इनकी हेल्प से उन लड़कों को ढूंढ निकालूंगी। दारू वाला, तुमने तो कहा था कि लड़की उनका पता जानती है। कहा तो था। मैंने कब कहा? नहीं कहा। अबे चल। अरे सर, इन्होंने कहा था। जेनी, जेनी। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टेरर तेज सिंह अभी गया। हम जानते हैं, जेनी ने ही उसे बुलाया था, और हम जेनी से मिले और उसे सब बता दिया। ये देवी, उस दिन इसी को उठाया था प्रेम ने उस टेरर तेज सिंह से बचाने के लिए। वो जल्लाद इसे जबरदस्ती पकड़ के रखता था, खूब मारता पीटता था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए प्रेम ने ही हमारी शादी कराई। अब अगर आप चाहती है तो मैं इसे उस जल्लाद के पास वापस छोड़ के आ सकता हूँ, लेकिन आप प्रेम को पुलिस के हाथों मत पकड़वाइएगा। थैंक यू दोस्त। क्या यार, तूने जो किया इतना तो कोई सगा भी नहीं करता। हम गोवा जा रहे हैं और वहीं सेटल हो जाएंगे, तो बस देवी का ख्याल रख। पक्का। ओ सॉरी पिंडो अंकल, तुम यहाँ कहाँ को आया? वो जेनी को थैंक्स बोलने आया, उसे हमारी हेल्प की है ना। जेनी से मिस्टेक हो गया, हमको माफ करो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेनी। मतलब? आज वो रास्कल हमारे डोर पर फूल लेकर आया, देख लेना कल को वो पाइप से चढ़कर खिड़की से अंदर आएगा। मम्मी, व्हाट इज माय मिस्टेक? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे नहीं बुलाया। आज चांस अच्छा था, तुम उस लड़के को अरेस्ट करवा सकती थी, बड़ा प्रेसिडेंट बना घूमता है। डैम हैप्पी क्लब। लेकिन डैडी, उसने तो उस लड़की की हेल्प की। He's a good guy. देखा पिंटो, हमारा इंसल्ट करने वाला वो आवारा 420 आज इसके लिए अपना हो गया, और हम पराया। ये उसके लिए हमसे आर्ग्यू कर रहा है, अपना खून होता तो क्या ऐसा करता? ब्लडी ऑर्फन। मम्मी
मम्मा आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं? आप ही मेरी मम्मी डैडी हैं। मोंटी डेजी मेरे भाई बहन। इसे पालने से तो अच्छा था कि तुम कोई कुत्ता पाल लेते, कम से कम वो तुमसे लॉयल तो होता। डैडी कल तुमने तेज सिंह के सामने हमें ऐसा डरा दिया, यू नो हमारा हार्ट फेल होते होते रह गया। खैर अच्छा बदला लिया तुमने। ए हैप्पी क्लब, चलो इस बहाने हमारी दोस्ती तो हो गई। वो कब हुई? क्यों नहीं हुई? हो जाएगी, लेकिन मुझे डर लगता है। तुम्हारा क्या भरोसा, कब कौन सा मजाक कर दो। हाँ हाँ वो तो हम ऐसे करते रहते हैं, पर हम सच्ची टेलिंग, अगर हमें तुम्हारी प्रॉब्लम मालूम होती ना तो हम ऐसा कभी नहीं करते। मेरा क्या प्रॉब्लम? यही कि तुम अनाथ हो। ये किसने कहा तुमसे? वो कल रात जब मैं फूल लेके आया तो मैंने सुना मिसेस पिंटो। वो मेरी मम्मी है। We are a family. जिन लोगों ने जन्म दिया मुझे तो उनका चेहरा तक मुझे याद नहीं। I'm sorry. Stammer when I get upset. क्या ब्लड रिलेशंस सब कुछ होते हैं? अगर मैं भी इन्हें अपना ना मानू तो मैं कैसे जी पाऊंगी? कौन है प्रेम? आई एम सॉरी जेनी, मेरा ये मेरा मजाक? नहीं, मैं I hate you. थोड़ा ठहर सुन ले जरा दिल कह रहा देना सजा यूं बेवजह रूठ कर मुझसे न जा भी भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का आ जा किस गली ये जिंदगी है पता लापता हूँ प्यार में अनकही अनसुनी चाहत जगी जो हुआ पहले हुआ नहीं आज तुम कर लो जरा यकीन प्यार का आ जाओ मेरी तमन्ना
छापे पे वो बुलडोजर मिसेस पिंटो आई थी अपने 3 फुट के हस्बैंड को साथ पे लेकर। सबके सामने मेरी ऐसी की तैसी कर दी उसने, सब तेरी वजह से। तू उसे फूल लेके मिलने गया था? नहीं पापा, पागल हो गए हो? मैं उसके लिए फूल लेकर जाऊंगा? मैं तो उसकी बेटी जेनी के लिए फूल लेकर गया था। नालायक बेशरम, तू पाइप पे चढ़ के लड़कियों को पटाने जाता है फूल लेकर। नहीं पापा, मैं जेनी को थैंक यू बोलने के लिए फूल देने गया था। फूल देने गया था? तू ऐसा कैसा थैंक यू बोलता है कि लोग मुझे गालियां देने चले आते हैं? तेरे साथ तो चलने में भी शर्म आती है मुझे। ला ला दे दे मुझे, दिल करता है एक थप्पड़ मार दूं। तो मारिए ना, कहां जा रहे हैं आप? एक गाल में जेनी ने लाफा मारा, दूसरे गाल में आप मारिए, मारने आए क्या? तू चल ना। अब मैंने क्या किया? तुम भी क्या मेरे जैसे स्टैमर? हाँ, जब मैं अपसेट होता हूँ तो कभी कभी। I'm so sorry. उस दिन मुझे पता नहीं था, मुझे लगा। Come on, आज तुम मुझे स्लैप करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Please, एक बार थप्पड़ मारो मुझे, तब मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे कैसे जेनी? नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगी। जेनी, तुम कुछ और कहो, मैं कर दूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पर कोई डिफिकल्ट चीज मत देना। तो तुम मुझे खिलाओ मूंग दाल की पकौड़े और पुदीने की चटनी। हाँ हाँ। कम जेनी, वेलकम टू हैप्पी क्लब। कल के लिए सॉरी नहीं, फ्यूचर का वरी नहीं, आज हैप्पी रहने का, ये हमारे हैप्पी क्लब का असूल। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। आई एनवी यू। थैंक यू। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब है कि नहीं, इसका मतलब काश मैं भी तुम सब जैसी होती। हो गई हो जेनी, अब तुम भी हैप्पी क्लब की मेंबर हो गई हो, वो भी फ्री में। और हम सब एक कलर के हैप्पी कलर, और ये क्लब तुम्हें हमेशा हैप्पी रखेगा। बिल्कुल। थैंक्स, इट्स अ ग्रेट प्लेस। ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? मैं ही तो, देखो मेरा फेस। हाँ, लेकिन बॉडी तो सलमान खान की है। नहीं नहीं, मेरी है, यही तो ली थी। प्रेम, मैं सलमान की फैन हूँ, उसकी कई फोटोज है मेरे पास, शायद ये वाली भी है। ये वाली मेरी है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। क्या है ना, सलमान और मेरी बॉडी सेम सेम है। मैंने ही तो ट्रेन किया था उसे। वो क्या है ना जेनी, 2 महीने पहले मुझे डबल फ्लू हो गया था, ऊपर से जॉन्डिस नीचे से मलेरिया, इसलिए बॉडी थोड़ी स्क्वीज हो गई है। 2-3 महीने में फिर से सल्लू जैसी हो जाएगी। सल्लू, तुम रियली सलमान को जानते हो? जानता हूँ। तुम लोगों के लिए सलमान खान होगा, मेरे लिए सल्लू यार है मेरा। I can't believe it. लो, बिलीव नहीं करती मुझ पे। बड़ी जल्दी पहचान गई तुझे। हमें तो बरसों लग गए। चुप है, मजाक कर रहे साले। प्रेम, मुझे एक बार सलमान से मिला दो। मिलवाना क्या जेनी, घर ले चलूंगा। कमा है दोस्त आई है मेरी। जेनी चल बिरयानी खिला साले। That would be the best day of my life. अच्छा, जरा फोन लगा सल्लू को, अभी बात करा देता हूँ। रहने दे यार, शूटिंग में बिजी होगा। इतनी सारी किताबें? यहाँ जोर से बोलना अलाउड नहीं है। इतनी सारी किताबें, कोई पढ़ता भी है इन्हें? पढ़ने के लिए तो लिखी गई हैं। ये पढ़ के क्या करेगा? तुम यहाँ कैसे आए? वो एक्चुअली मैं एक जरूरी काम से यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। अब जेनी, तुम यहाँ काम कैसे करती हो? दम नहीं घुटता तुम्हारे यहाँ? In fact, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। I feel safe. यहाँ की हर किताब मेरी दोस्त है। दोस्त? हाँ, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हमेशा साथ देती हैं। ना ये डिमांड करती है, ना कंप्लेंट, बस साथ देती हैं। मेरे जैसे? अच्छा, तुम भी मेरा साथ दोगे? हमेशा जेनी, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स।
You're mad. Thank you. You're funny. Thank you, Jenny. क्या हुआ? अरे सलमान खान आया, सलमान खान. सलमान? शूटिंग के लिए आया, शूटिंग के लिए. भोलेनाथ, ये कैसे टपक गया? प्रेम, तुम्हारा दोस्त है सलमान. प्रेम. आओ ना प्रेम. आ गया जेनी. प्लीज मुझे मिलवाओ ना उसे, प्लीज. हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर. तो चलो ना, चलो. अरे जेनी, भीड़ में कहाँ मिलोगी, घर चलेंगे ना उसके. चलो. पता नहीं कब चांस मिलेगा, अभी तो यहाँ है, बुलाओ ना उसको, बुलाओ. अच्छा. सलू सलू सलू. तुम सब यहाँ रुको, मैं अभी आया. आ रहा है, वो आ रहा है. सल्लू, किसने बुलाया मुझे? आपके दोस्त ने. दोस्त? जरा चेहरा तो देखूं दोस्त का. ये तोबड़े का डिजाइन तो पहली बार देखा हूँ. हे बस क्या सलू, एक बार घर नहीं आया और इतना नाराज. ओए, तू घर कभी आया रे? अरे नाराज क्यों रहा है सलू, अगली बार घर आऊंगा ना बिरयानी खाने. अबे घर तो क्या, तू कभी रास्ते में भी दिखाई दिया ना तो चेहरे का डिजाइन बदल दूंगा. देखा हमारी यारी दोस्ती. तू जा जेनी, ऑर्डर कर बुकला, जल्दी जा. okay. ये चलता रहेगा. सलमान भाई सॉरी, क्या है ना, जेनी मुझे बहुत अच्छी लगती है. और जेनी को आप अच्छे लगते हैं, फैन है आपकी. इसलिए उसे इंप्रेस करने में एक छोटा सा झूठ बोला. क्या मेरे फ्रेंड है. और क्या क्या बोला तू? यही कि मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग सिखाई है. प्रेम, थाइमर से लूज हो गए सलू, क्या कर रहा है, मेरे जैसे नहीं रहा. क्या तू वो नहीं करा जो मैंने सिखाया था? हाँ वो भी करूंगा, वो भी करूंगा. अपनी दोस्त को मुझसे नहीं मिलाएगा? हाँ जेनी, सलमान खान. अबे तू ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है. देखा, ये भी मेरी तरह मैडर फनी है. जेनिफर, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, इसे खोना नहीं. ये और सुन, कभी बिरयानी खाने आया कर घर पे, हुँ? और जेनी को भी साथ लाना, चलता हूँ. तुम बहुत अच्छे हो. आई लाइक यू. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम बहुत अच्छे हो. आई लाइक यू. 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 कुछ कहा तुमने? तुम बहुत अच्छे हो. आई लाइक यू. थैंक यू बेटा. तुम बहुत अच्छे हो. आई लाइक यू. ये क्या सुबह सुबह? बेटा सुन लेगा. बेटे से ही सुनकर आ रहा हूँ पगली. उसने मुझसे कहा मैं बहुत अच्छा हूँ. क्या? हाँ पूछ ले उससे, पूछ ले. तुम बहुत अच्छे हो. आई लाइक यू. नालायक! जितनी जल्दी हो सके अपने दिल की बात जेनी को बता दे. नहीं, ये तो डेंजर होगा. अगर उसे मना कर दिया तो मैं तो टुकड़े टुकड़े होकर किस्तों में मर जाऊंगा. वो हाँ भी तो कह सकती है. हाँ। उसमें तो और भी डेंजर है. खुशी के मारे वही मेरा हार्ट फेल हो गया तो. हमसे चुराई ले हम.
किन्नैया है राम के भरोसे अपनी किन्नैया को पालो लगाई दे प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी किन्नैया को पालो लगाई दे ही प्यार को पाए देखो मेरी सारी ही उम्र करूं मैं क्या कहीं तो होगा कोई उपाय कि मेरी तू हो जाए चाहे मुझको तू भी उम्र भर करूं मैं क्या क्या मंत्र पढूं मैं क्या तंत्र करूं मैं आंखों की चाहत तुझे भी दिखाई दे प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी की नैया को पार तू लगाई दे प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी की नैया को पार तू लगाई दे बात कैसे मैं कहूँ करूँ मैं क्या समझे ना तू बात वो पगली के दिल की अदला बदली अब तो बिन किए ना मैं रहूँ करूँ मैं क्या मैं रह भी ना पाऊँ मैं कह भी ना पाऊँ बोले बिना कैसे तुझको सुनाई दे प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी की नैया को पार तू लगाई दे प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी तेरा और जेनी का कोई भी लेवल मैच ही नहीं होता वो पढ़ी लिखी है और तू नाइन्थ फेल उसका क्लास है तेरा कोई क्लास ही नहीं ओ यार क्या बात कर रहा है तू प्योर वेजिटेरियन है और वो पक्की नॉन वेजिटेरियन क्या चिकन मटन चॉप कलेजी गुर्दा कपूरा उइमा नहीं खीमा पाया जो सुन सुन के तू मुंह बना रहा है ना उसे चुन चुन के खाती है वो बता संगम कैसे होगा बता President, you can do it, यार। अरे जल्दी कीजिए ये हुई ना बात वाह क्या कबाब है भाई ये कबाब बहुत टेस्टी है खा ले कच्चा है यार थोड़ा और पकवा दे और पकाएगा तो गल जाएगा खा ले जल्दी टेस्टी है तो बड़ा टेस्टी I told you, man. इसलिए मेरी जेनी ये सब पसंद करती है शारदा शारदा याद रहे मेरी चीता को आग इस हाथ से मत लगवाना जिसे न जाने किसकी टांग पकड़ी है ऐसी बात क्यों कर रहे हो आपके होटल में भी बनता है ये सब अरे धंधा अलग है धर्म अलग है ये नामाकूल कर्म से तो गया ही था अब धर्म से भी गया शिव 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 गुड इवनिंग जीसस आई प्रेम शंकर शर्मा आई कम फर्स्ट टाइम यहाँ यू जेनी गॉड माय गॉड कोने वाला शिव मंदिर ओम नमः शिवाय यू नो भोलेनाथ आक्सिम आई डेली गो वहां जीसस फॉर जेनी आई एम अल्टरनेटिंग माय धर्म गया भोलेनाथ एंग्री आई नो फेस टू गो वहां यू नो भोलेनाथ को थ्री आई थर्ड आई ओपन आई को जीसस आई लाइक जेनी आई लव जेनी यू हेल्प आई एम मैरी जेनी प्लीज हेल्प Jenny, beautiful, class,
हाय बेचारा, नो क्लास, पुअर फेलो, यू नो हेल्प, हु हेल्प जीसस, प्लीज हेल्प, किसी तरह यू इन जेनी हार्ट फिक्स माय फोटो, परमानेंट फिक्स, आई थैंक यू दिल से, जेनी डार्लिंग, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, नहीं नहीं, बहुत घिसा पिटा डायलॉग है, आई लव यू, छे, ये भी पिटा हुआ है, जेनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हाँ, ये करेक्ट है, जेनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे शादी करोगी, छे छे, जेनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हाँ करेक्ट, जेनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्या, हाँ, आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो? मैंने भी यहीं खड़े रहकर बहुत प्रैक्टिस की थी, वेट कर करके वेट कर करके वेटर बन गया। फ्लो तोड़ दिया। कहा था मैं? हाँ, जेनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? फर्स्ट क्लास। हैप्पी बर्थडे प्रेम। हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तुम्हारा है। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ है तुम्हारे सारे दोस्त? हैप्पी क्लब आते होंगे ना? यू कम कम, बैठ के बातें करते हैं। थैंक्स। तुम बता रहे थे फोन पे कि तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे। हाँ, वो क्या है ना जेनी, मुझे मुझे वाटर रेगुलर या मिनरल सर? मुझे मिनरल बहुत अच्छी लगती है। मिनरल लेके आता हूँ सर। ब्लडी मजनू जैसा वेटर। I'm very hungry. खाते खाते हम लोग बात करें? हाँ चलो। आ, अच्छा तो तुम सैलरे से शुरू करती हो? मैं तो डायरेक्ट चिकन और मटन को अटैक करता हूँ। कुर्रा कबूरा पायक कीमा, जब तक भेजा नहीं खाता ना मैं भेजा काम नहीं करता। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि तुझे कोई पंडित के नहीं किसी क्रिश्चियन के घर पैदा होना चाहिए था। अच्छा, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें क्रिश्चियन नहीं पंडित के घर पैदा होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ बचपन से। इनफैक्ट मुझे यह नॉन वेज की स्मेल पसंद नहीं है। Can't stand it. Anyways, बोलो ना, तुम कुछ कह रहे थे? मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। अबे हमने इसे मटन खाना सिखाया, खून पीना किसने सिखा दिया? मिस्टेक हो गया मैन, फाइनली आई लव यू कहा कि नहीं? अरे किस मुंह से आई लव यू कहता, तुम लोगों ने मेरे मुंह में मटन ठूस दिया। अरे सॉरी यार, वो तेरा बर्थडे प्लान फेल हो गया, शादी की बात नहीं हुई। हुई ना, उसने की। उसने शादी की बात की? कांग्रेट्स मैन। कैसे की, क्या कहा? अरे बोलना। कल मेरी फ्रेंड सैंड्रा की शादी है, क्लब में डांस पार्टी है। क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे? तुम्हारा डांस पार्टनर? आहा जेनी, मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, चलो। कल है बाबा कल। उसने तुझे डांस पार्टनर बनाया, तू उसे लाइफ पार्टनर बना दे। यस। हाय जेनी। कूल। तुम भी कूल कूल, चले डांस करने। एक प्रॉब्लम है प्रेम। क्या प्रॉब्लम जेनी? डैडी आ रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, वो तो पिंटी आंटी के साथ डांस करेंगे ना। नहीं एक्चुअली गोवा से उनके दोस्त प्रगांजा का बेटा टोनी भी आ गया। तो डैडी चाहते हैं कि टोनी को साथ ले जाओ। तो उसे भी साथ ले जाएंगे, बच्चे लोग अलाउ नहीं है क्या? टोनी बच्चा नहीं है। हाय जेनी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेबी, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। टोनी, दिस इज माय फ्रेंड प्रेम। ओह आई एम सॉरी। हाय प्रेम, we are getting late now, this is for the beautiful beautiful girl, bye bye sweet boy, come on, I'm sorry, we are going to have an absolutely great time. वो कौन था? छोड़ यार, मूड खराब हो गया। वो तो होगा ही, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई और ले जाए तो। वो सब ठीक है, साले ने मुझे स्वीट बॉय बोला, वो भी मेरी जेनी के सामने। हाँ, प्रेसिडेंट की इंसल्ट हो गई। जेनी, हम लाइफ में बहुत लड़की लोग को टच किया, लेकिन सिर्फ तुम हमारा हार्ट को टच किया। हम ये भी जानता कि हम वो पहला लड़का जो तुमको टच किया। यू मामा टोल्ड मी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, लवर नहीं। यू नो जेनी, हम शादी उसी लड़की से बनाएगा जिसे कभी किसी ने टच नहीं किया। अंकल अंकल, हम
हमारा अंकल नहीं है। अरे ऐसे कैसे अंकल? आपने मुझे स्वीट बॉय बोला तो आप मेरे अंकल हुए ना। और जेनी, बुजुर्गों की इज्जत करनी पड़ती है। पेरिपोना अंकल, पेरिपोना, जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे तब। सॉरी सॉरी सॉरी। स्वीट अंकल, गुड गुड, वेरी गुड। ओके ओके, लीव अस अलोन नाउ। अजीब आदमी, स्ट्रेंज फेलो। आई वाज सेइंग द टच। हां को कौन इधर रखा? I'm sorry जनालिंग, हम अभी भी आया। हाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। टोनी इज सच अ पेन। नो वरी जेनी, तुम प्रॉब्लम में हो और मैं ना हूँ। हाँ। लेकिन अगर फिर आ गया तो क्या हुआ? फिर से भगा देंगे? चाहो तो सब कुछ है आसान। हाय सैंड्रा, you look so beautiful. Thank you. Enjoy. Meet Prem, he's my friend. Oh, hi Prem. This is my husband Peter. Hi. So, Jenny ke dance partner tum ho. Hi Sandra. Huh? Hi. Excuse me. Have fun guys. Hey, okay, bye. Prem, dance ko abhi time hai. I know Jenny. Main body ko garam kar raha tha. Yo, party's over man. Bye. Kaisa party hai Jenny? Kaisa stupid dost hai tumhara? हम और तुम कहीं अकेला में जाके बात करें? जेनी 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 जेनी, तुम गो ना मंगा। हम हेलो, हाउ आर यू गाइस? हाय हाय। टोनी, सॉरी 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 सॉरी। यू सो हाउ इज इट? आई डोंट सी यू सिंस दैट। एनीवे, डू यू नो व्हाट आई हर्ड यस्टरडे? आई हर्ड दैट पीटर इज गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया। टोनी, ब्यूटीफुल लेडी, कम 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 कम, आप इतनी अच्छी लग रही है आज। फूल फॉर यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या हुआ डार्लिंग? ये हमको लात मारा। उसने नो नो नो, डार्लिंग की वाइफ को लात मारा। इट्स अ मिस्टेक डोंकी, कम ऑन। हाय हाय। Why don't you understand, Jenny? ये boy हम जैसा लोगों के साथ बैठने का लायक नहीं है। ये इधर कैसे आया? I'm sorry, Jenny. हम अभी आया, please आ। Hi. Tony, ऐसे क्यों चलता है? बहुत जल्दी में। पैंट खराब है। नहीं नहीं, पैंट नहीं, इसका पेट खराब है। It's three on the track. Hey, hey, man, go. He's a sexy, sexy. He's a sexy, sexy. He's a sexy, sexy. I told ya. Boy, move like there's no tomorrow. English, Indian, American, no. Hila de puri duniya yaro. If you feel me, then come and follow. Follow me, follow me. Watch how I flex your don't copy. Aja agar dam hai, agar hai jaan. Nachu aise duniya yaar rakhe mera naam. Serious, bhai, I ain't messing around. Cause I'm number one. Yes, my son. Tell me, have you had enough of me? You know I got that good stuff that you need. Aja meri baan ho me tu baby. You need my love, you need my love. Darde hila de, la de la shikare. Club nu hila de, nach ke dikha de tu sonia. Follow me, follow me. Watch how I flex your don't copy. Darde hila de, la de la shikare. Club nu hila de, sab ko dikha de tu sonia. Break up, break up, break up, breaking it down. All my people in the club, now be buzzing it down. DJ bring the bass up, moving it down. And my son be walking over to the under the ground. Jenny, और तुम्हें मेरा डांस कैसे लगा? You two are rocking. तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या है ना जेनी, जब तुम खुश होती हो ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। You happy? I happy. आज तो मैं बहुत खुश हूँ। For Sandra also.
अच्छा लड़का मिल गया। ये अच्छे लड़के का क्या मतलब है जेनी? अच्छा लड़का मीन्स जिसके पास अच्छी नौकरी हो, टाइम से काम पे जाए, मेहनत ईमानदारी से काम करे, टाइम से घर आए और अपनी फैमिली को भी टाइम दे। बस ये सब होने से कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार हो जाएगी? हाँ, कोई भी तैयार हो जाएगी। मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। हाय प्रेम। हाय जेनी। मुझे तुमसे बड़ी अच्छी नौकरी मिली है और टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। ओके टाटा बाय। हेलो प्रेम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जेनी, मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ और काम के टाइम बात नहीं करता हूँ। के सॉरी जेनी, टाटा बाय बाय। जेनी प्रेम, सॉरी जेनी, मैं हमेशा टाइम पे घर जाता हूँ। फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। ओके टाटा बाय। Here I go, here I go, here I go. मेरी पहली मेहनत की कमाई 5,000 रुपया गिन के बड़ा अच्छा लग रहा है यार। जेनी भी खुश हो जाएगी ना? खुश? अरे बहुत खुश हो जाएगी। जा जाके बात कर ले, एक महीने से नहीं मिला तू उसे। अरे उसे पाने के लिए तो दूर है उससे। रुको रुको रुको, लाखन प्रेम कहाँ है? एक मिनट बुलाता हूँ। प्रेम, जेनी वेट, कमिंग। नहीं नहीं नहीं, जल्दी मैं हूँ, तेजी साथ में है। तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो जेनी, मेरा फोन बैटरी चार्जर। ये लो, बाय बाय। अरे जेनी, मुझे कुछ देगा क्या यार? देख देख क्या दिया है। पत्थर, पत्थर मारा? अरे इसमें कुछ लिखा है। छी, पत्थर नहीं, लेटर दिया है मुझे। बहुत जरूरी बात करनी है अपनी लाइफ के बारे में, कल 11 बजे बोट क्लब में मिलो। वेरी गुड। उसके लाइफ के बारे में मुझसे जरूरी बात क्या होगी यार? अरे वही जरूरी बात जो तुम नहीं कर पाए। क्या बात कह रहा यार? सची सची मुची। हाय जेनी। हाय। वो तुम कुछ जरूरी बात कहो ना। वैसे जेनी, मुझे भी अपने लाइफ के बारे में कुछ जरूरी बात कहनी थी। तो कहो ना। तुम पहले। यू फर्स्ट। ओके जेनी, मैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? जेनी कहो ना। क्या कहूं जो मैं कहने आई थी वो तो तुमने कह दिया। बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है, हाँ अब तो चले आओ। आओ के शबनम की बूंदे बरसती है, मौसम इशारा है, हाँ अब तो चले आओ। खासा सपना तोड़ दिया, सॉरी 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 सॉरी। ऐसे घंटी तो बजा दिया करो। घंटी क्यों बजाऊं मैं? एक अंधे को कैसे पता चलेगा कि सामने से दूसरा अंधा आ रहा है? ओए देखे बात कर, मैं अंधा नहीं हूं। प्रेम क्या हुआ? जेनी पोर्टलम नहीं आई यार, और घर पे भी ताला लगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चंद्र है, बात कर। अब हाँ चंद्र, मैं कुनू। क्या जेनी गोवा में है? हाँ चंद्र बोल। गोवा में जेनी को देखकर मैं तो हैरानी हो गया, तभी तो मैंने फोन किया। जेनी जैसी अच्छी लड़की उस कमीने टोनी के साथ, बाद में मैंने पता किया परसों उसकी शादी हो रही है टोनी से। भंडारी, मैंने आपकी हर बात मानी है। I never said no to you for anything. लेकिन शादी का decision तो it's my life. तो क्या तुम्हारा life हमारा life से कुछ अलग है जेनी? Please don't force me. आखिर टोनी के साथ शादी करने में तुम्हें problem क्या है जेनी? Handsome है, dashing है, और मनी वाला भी है। ब्रिगेंजा हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सब ठीक कर देगा। मामा, मैं
परिवार से प्यार करती हूँ। हाँ डैडी, आई लव समवन। डैडी, इसका तो लवर है, हम इसे शादी नहीं बनाएगा। मिसेस पिंटो, ऐसा कुछ नहीं है, जेनी एकदम क्लीन गर्ल है, नो बॉयफ्रेंड नो लव, ये झूठ बोलता है। नहीं, इट्स ट्रू, मैं सच बोल रही हूँ। इनफ ब्रिगेंजा, तुमको टू चॉइस देता है, कल चर्च में फादर के सामने आई डू बोलेगा तो हमारा लिटिल टोनी का तुम लॉफुल वाइफ बनेगा, अगर नो बोलेगा तो कल रात को लिटिल टोनी बेडरूम में फोर्सफुली तुमको अपना वाइफ बनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जेनी, अपने आप को संभालो, कम ऑन जेनी। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू और तुम आ गई। अरे ऐसे कैसे कैसे नहीं आता, तुम प्रॉब्लम में हो और मैं ना हूं। ये लोग मेरी शादी टोनी से, मैंने सुन लिया जेनी, तुम शादी के लिए यस कर दो, नो वरी यार, तुम उनके साथ बाहर तो निकलो, हम तुम्हें रास्ते में उठा लेंगे। ऐसे पॉसिबल? डबल पॉसिबल, हम लड़की उठाने में चैंपियन है, यू नो। हाँ जेनी, तुम ऐसे हंसते हंसते चर्च ले निकलो, आई प्रॉमिस हम उन्हें रुला रुला के तुम्हें वहां से भगा ले जाएंगे, फिर तुम मैं राहुल, उसे भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ उसे भी। ये राहुल कौन है? राहुल, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी राहुल चलान, हम साथ पढ़ते थे, फिर वो कनाडा चला गया था, लास्ट मंथ ही लौटा है। मैंने कई बार उसके बारे में बताना चाहा, लेकिन इन दिनों तुम इतनी बिजी थे, मैं मिल ही नहीं पाई। और उस दिन बोट क्लब में भी राहुल के बारे में बताने ही बुलाया था। He's a nice guy. You'd like him. मुझसे बहुत प्यार करता है। I also love him. और हम शादी करना चाहते। Prem, are you all right? और कितना दूर है जॉनी? बहुत नजदीक है जेनी। अच्छा? तुम्हारा जैसा हमको भी शादी बनाने का बहुत हरी है, लेकिन क्या करे, ये नया ड्राइवर गाड़ी इतना स्लो चलाता है कि डैडी का गाड़ी आगे निकल गया। कौन गधा तुमको काम पे रखा? आपके डैडी ने सर। ओह आई एम सॉरी, गाड़ी फास्ट चलाओ मैन। नहीं नहीं स्लो, फास्ट में हमको चक्कर आता है। ओके नो वरी मैडम, हम चालू चैपलिन हैप्पी क्लब का ड्राइवर। हे हम तुमको कहीं देखा? जरूर देखा होगा सर, हमारे उस्ताद चाली चैपलिन का फोटो सब जगह लगा रहता है। हम ही देखा। तुम भी देखा? हम तुमको ऐसा शॉर्टकट से तुम्हारा मंजिल तक पहुंचाएगा कि तुम खुश हो जाएगा और साहब को चक्कर आ जाएगा। हाँ। कर। चिली, लिली, बिली। You blind fools! हम तुमको नहीं छोड़ेगी। I'm sorry. ये क्या किया तुम? अरे तुमने ही तो बोला गाड़ी फास्ट चलाओ। तुमने बोला फास्ट चलाओ। हमारा लिली, बिली, चिली, बच्चा लोग छोटा छोटा।
मुर्गी का बच्चा, तू इधर गया, तू इधर गया, पुलिस। नो 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 नो, लाइसेंस निकालो, लाइसेंस निकालो। लाइसेंस, लाइसेंस तो नहीं लाया। गाड़ी साइड में लगाओ। ऑफिसर, आज हमारा वेडिंग है, हम ऑलरेडी लेट हो गए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी आगे नहीं जा सकता, ये रूल है। करेक्ट, रूल है तो रूल है। हां, क्या रूल है? मैं भी साइड पे लगाता हूं। जल्दी। नॉनसेंस, गाड़ी तुम चलाता है, लाइसेंस इससे मांगो। हम लाइसेंस कहां से लाएगा साहब? हम तो चालू चैपलन है, हमने गाड़ी चुरा चुरा के चलाना सीखा, लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं चुराया। ओ गॉड, कितना सच्चा बच्चा है, कन्फेस करता है। इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको। नो नो नो, बाहर निकलो, उतरो। सेव मी गॉड, याद आया, लाइसेंस है। हम अपना लाइसेंस हमेशा सीट के नीचे रखता है। करेक्ट, गवर्नमेंट ने तुमको लाइसेंस क्यों दिया? ड्राइविंग के लिए। और तुम क्या करता है? ये पीछे बैठ के मैडम के साथ मस्ती करता है। लाइसेंस होके गाड़ी नहीं चलाता है, गवर्नमेंट का इंसल्ट करता है। अब हम तुमको अंदर करेगा। आज हमारा वेडिंग है, हमारा वेडिंग है। ओके ओके, तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम गाड़ी चलाएगा। ओके, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुम मैडम के साथ पीछे बैठ के मस्ती करेगा। आहा, क्या बढ़िया रूल है। टोनी सर, आपकी टोपी आइए। ओके ओके, लेट्स गो। हमारा लिली पीली चिली को कौन ढूंढेगा? ये ढूंढेगा। इधर गया तो उधर गया। लिसन, इधर इधर जेनी, 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 हेलो पापा, जेनी ड्राइवर के साथ भाग गई। क्या प्रेम, कहीं टोनी पीछे से ना आ जाए, जल्दी भगाओ, जल्दी। पंद्रह मिनट में करमाली ब्रिज पे।
जेनी किसी और को चाहता है। उसने तुझे कल रात को कहा और तूने अभी तक कुछ नहीं बताया। हमने इतना रिस्क क्यों लिया? तुम्हारे लिए, वो राहुल के लिए नहीं। जेनी उसे चाहती है राजू। जेनी ने तुझे यूज किया है, धोखा दिया है। ऐसा नहीं है, जेनी ने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझे प्यार करती है। लेकिन वो तो ये जानती है ना कि तू उससे प्यार करता है। कैसे? मैंने भी तो उसे कभी नहीं कहा, कह नहीं पाया। देखो यार, हैप्पी क्लब का रूल है प्यार करने वालों को मिलाना। ओह ग्रेट। कितने को मिलाया? जेनी को भी राहुल से मिला देंगे। तो ताला मार दो ऐसे हैप्पी क्लब को यार। वो रहे राहुल साहब। हाय राहुल, मैं प्रेम। हाय प्रेम, तुम भी जिम जाते हो? जिम? हाँ हाँ, मैं तो दिन में दो दो बार जाता हूँ। दो बार? तुम ये डंबल के कितने राउंड मारते हो? राउंड? ओह, यू मीन सेट। हाँ हाँ सेट। कुछ खास नहीं, बस 20-20 के 5 मारता हूँ। 100 बस? लेकिन तेरा स्टाइल तो बिल्कुल गलत है। ला दे, मैं सिखाता हूँ। ला। अच्छा, ये लो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, पुशअप्स मार रहा हूँ। ऐसे? हाँ भाई, अपना अपना स्टाइल है। वैसे तेरे डैडी को जेनी से इतना क्या प्रॉब्लम है? जेनी क्रिश्चियन है और हम हाई कास्ट हिंदूज। यू नो माय फादर पीतांबर जलान। पीतांबर जलान, वो जो एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़े हैं? राइट। मैं तो जेनी से भाग के शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उन्हें डर है अगर ये शादी हुई हिंदू वोट हाथ से निकल जाएंगे। राहुल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तूने जेनी के साथ शादी की तो तुम्हारे डैडी इलेक्शन हार जाएंगे, और जिनकी इज्जत होती है, तुम्हारे डैडी की है ना? हाँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? वो यार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैंने कितने हारने वाले को सुसाइड करते हुए देखा है राहुल, सुसाइड। ना, मैं तो ये शादी होने नहीं दूंगा। लेकिन जेनी। अरे तुमने मुझे दोस्त कहा यार, सच्चा दोस्त। मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। जेनी क्या बाप से पढ़ गए? नहीं। तुम्हें कई जेनियां मिलेंगी राहुल, लेकिन बाप एक ही मिलता है और एक ही बार मिलता है। प्यार भी एक ही बार होता है प्रेम। I love Jenny. I'm gonna marry Jenny. I don't care. वाह, बड़ा हो गया है ना? पाप की परवाह नहीं तुझे। बॉडी शॉडी बना ली, डोले शोले बना लिया, लेकिन जरा दूर देख। हाँ, और दूर। हाँ बस, एक नन्ना सा मुन्ना सा मरियल सा राहुल अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपने पाप की मोटी मोटी उंगलियां पकड़ के टिपक टपक टिपक टपक चलना सीख रहा है। लेकिन चलना डैडी नहीं, आई ने सिखाया। अच्छा? हाँ। तो जरा और दूर दे। हाँ, डरा हुआ, सहमा हुआ, छोटा सा मगर मोटा सा राहुल अपने पाप के कंधे को पकड़कर पैडल मार रहा है। गुइया 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 साइकिल चलाना सीख रहा है। लेकिन साइकिल चलाना डैडी ने नहीं, रामू काका ने सिखाया। अबे तेरे बाप ने तेरे को कुछ सिखाया कि नहीं? हाँ, पत्ते खेलना सिखाया, तीन पत्ती। तीन पत्ती? कितना महान बाप है तेरा राहुल, उन्हें तेरी कितनी चिंता है। उन्होंने तीन पत्ती जैसा हुनर तेरे हाथ में दे दिया, यही सोचकर कि बेटा बड़ा होकर निकम्मा भी निकले, कभी भूखा नहीं मरेगा, और तू ऐसे महान बाप को एक एक लड़की के लिए छोड़ रहा है? नहीं राहुल, ना, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। लेकिन तू रो तो भी होने नहीं दूंगा। जेनी, तुम जेनी की चिंता छोड़ दो राहुल, तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, सच्चा दोस्त, तो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जेनी को सहारा मैं दे दूंगा। हा? क्या? लेकिन तुम अपने बाप का सहारा जरूर बनना राहुल, जरूर बनना। वेट वेट वेट, I can't leave Jenny. I'll marry Jenny only. डैडी की प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। I'm an MBA from London. 2 लाख रुपए की जॉब मुझे ऐसे मिलेगी। कैसे? ऐसे। अब बोलो, शादी होने दोगे? 2 लाख महीना? हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ जाना। प्लेटफॉर्म तो ठीक बताया था ना तुम्हें? हाँ बोला तो था। तो अभी तक क्यों नहीं आया?
आता ही होगा जेनी। राहुल कैसा लगा तुम्हें? हाँ? आज पहली बार मिले ना राहुल। हे जेनी। राहुल। ओह आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। आई एम सॉरी जेनी। इट्स ओके, इट्स फाइन। तुम इतनी प्रॉब्लम में थी और मैं कुछ नहीं कर सका। अब मैं आ गया हूँ। ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आई मिस यू सो मच। थैंक्स टू प्रेम। कल सुबह शिव मंदिर में हमारी शादी हो जाएगी। शादी जरूर सिंपल हो रही है जेनी। और हनीमून, आई विल टेक यू अराउंड द वर्ल्ड, लंदन, न्यूयॉर्क, मिलान, पेरिस, और हम सेटल होंगे फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट? माय फ्रेंड्स ऑफर मी अ पार्टनरशिप इन हिज बिजनेस, और तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर ली मैंने, फेरारी। व्हाट डू यू थिंक प्रेम? फेरारी, फ्रैंकफर्ट, गुड प्लान ना? प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने को तैयार है। ओके, कम ऑन जेनी, लेट्स गो, वी विल बी लेट। कौन सा कंपार्टमेंट है प्रेम? ये। हां, टेक केयर। थैंक्स, टेक केयर। हां, चलो जेनी, लेट्स गो। प्रेम, तुम भी साथ चलो ना। मैं जरूर आता जेनी। यहां पता नहीं टोनी क्या प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। ए प्रेम, यहां जेनी के साथ तुम्हारा नाम लिखा है। हां, वो किसी को पता ना चले इसलिए डेविड ने मेरा नाम। क्या फर्क पड़ता है राहुल, ऊपर वाले ने तो जेनी के साथ तेरा नाम लिखा है ना। Come on, Jenny. प्रेम, एक बार बोल देता यार कि तू उसे कितना प्यार करता है। मुझे यकीन है वो जरूर कुछ। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। नहीं कह पाया, लव नहीं हुआ क्या? कहने से लव होता है। ए, क्या कहता था चंदर? फीलिंग्स, ओनली फीलिंग्स। डिक्शनरी लेके प्यार। अपनी तो फीलिंग्स भी बेकार गई। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। अच्छा लड़का है राहुल, खानदानी है, पैसे वाला है, दोनों बराबर इंग्लिश में बात करते हैं, परफेक्ट जोड़ी। एक बात कहूं, दोनों वेजिटेरियन है। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। उसे बहुत खुश रखेगा। मैं भी तुम्हें बहुत खुश रखता जेनी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ? छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। क्या देखने आई हो?
खुश हूं मैं दोस्तों तुम्हारा. नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स. प्रेम तुम ऐसे? यू आर ड्रंक. ड्रंक? जेनी, इंग्लिश में ड्रंक नहीं, ड्रिंक कहते. ड्रिंक. तू क्यों चल रही है? तू भी ड्रिंक है क्या? प्रेम, प्रेम, प्रेम. जेनी, तुम यहाँ? सचमुच? क्यों आई? कब आई? अभी तो आई. और तुम हो कि? You're drunk. नहीं नहीं जेनी, वो दोस्तों ने तुम्हारी शादी की खुशी में थोड़ी पिला दी. पर तुम यहाँ कैसे? और राहुल कहाँ है? I don't know. वो एक स्टेशन पे बुक्स लेने उतरा. और पता नहीं. He didn't come back. कहाँ जाती मैं? नहीं, अच्छा किया तुम यहाँ चली आई जेनी. लेकिन राहुल, जेनी एक बात कहूं तो बुरा नहीं मानोगी? ये जो बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं. उनके लिए लव एक गेम होता है, टाइम पास. अरे अरे नहीं नहीं, देखो मैं मजाक कर रहा था जेनी. आई सॉरी, मैं राहुल को किसी भी तरह ढूंढ के लाऊंगा, किसी भी तरह. अब क्या वरी है जेनी? तुम नहीं समझोगे. अरे जरूर समझूंगा, समझाओ ना. बताने से भी तुम नहीं समझ पाओगे. अरे वाह, ऐसे कैसे? मैं बहुत स्मार्ट हूं, क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया. मिलके भी हम ना मिले तुमसे, न जाने क्यों मिलों के है फासले. तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले. तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले. तुमसे न जाने कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए. बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए. तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना. अफसोस होता है दिल भी ये रोता है. सपने संजोता है पगला हुआ सोचे ये हम थे मिले. तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले. तुमसे न जाने क्यों अनजाने
है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना जाने ना तू जाने ना अभी तक नहीं आया तुम्हारा लाडला कल से गायब है हमारा कहीं का फोन भी नहीं करता आ जाएगा कब आएगा कब आएगा अरे इतना चक्कर चलाया तब जाके मिश्रा जी तैयार हुए हैं अपनी इकलौती शकुंतला हाथ देने के लिए सोचा निकम्मा यहां बैठे बैठे खा रहा है वहां पड़े पड़े खाएगा अभी आ रहे हैं वो प्रेम को देखने के लिए किसे दिखाऊंगा हे भगवान पता नहीं कहां जा रही गुड मॉर्निंग मदर तू यहां क्या कर रहा है अंदर आ मां मेरे साथ कोई और भी है कौन है ये कौन है जेनिफर हां घर से भाग के आई है चीची मां ये ऐसी लड़की नहीं है मैं ऐसे भगा के लाया हूं तू लड़की भगा के शादी करेगा नहीं नहीं अपने लिए नहीं किसी और के लिए ये कौन सा नया धंधा शुरू किया है तूने धंधा नहीं हेल्प है हेल्प लेकिन इसे यहां क्यों लेके आया जिसके लिए भगाया था वो भाग गया और ये मेरे पास भाग के आ गई इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास भाग के आ गए दो दिन के लिए लड़की को छुपा दो मां मैं उस लड़के को ऐसे ढूंढ के लाऊंगा हे भगवान वो लड़का देखने आ रहे हैं ये लड़के लेके आ गया क्या पूछ कर रही है नहीं 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 वो मान गई मां थैंक यू सो मच जेनी चढ़ जा खुश जा यहीं से हां वो बाहर गब्बर सिंह बैठा है ना मदर इंडिया सब संभालेगी चल खींच मां खींचो मां जोर लगा के अय्या जोर लगा के ये ले खा ले और जल्दी से तैयार हो जा क्यों मां मिश्रा जी आ रहे अपनी बेटी को लेके तुझे देखने मां ये कौन सी नई मुसीबत है यार वो तो ठीक है लेकिन जो मुसीबत तू लेके आया वो कहां है जेनी ना रही है उरे बाबा तुम्हारे पापा भी जा रहे हैं नहाने मोगो कहां जा रहे हो नहाने जा रहा हूं ऐसी भी क्या जल्दी है रुक जाओ ना क्या हो गया तुम्हें शारदा मिश्रा जी आते ही होंगे और तुम जानती हो मैं कभी लेट नहीं होता आज हो जाओ ना मेरी आंखों में देखो ना शारदा जेनी कितने साल हो गए सुने तुम्हारा गाना गाओ ना क्या शारदा तुम भी गाओ ना कौन सा वाला गाना वही ताथिया ताथिया हो अरे गोरी तेरे अंग अंग में रंग रूप के भरे हुए हैं कल से ये कौन फकीर गा रहा है मां छह रेडियो बंद कर दे प्रेम प्रेम आ गया प्रेम कब आया अभी अभी आया जाके नहाइए टाइम वेस्ट मत कीजिए जल्दी करो जेनी क्या जल्दी जल्दी कर रहे हो शारदा ओ माय गॉड तुम्हारी जल्दी जल्दी मैं जो टॉप मुझे पहनना था वो तो बाथरूम में ही रह गया ये क्या है ये तो किसी लड़की का है तुम ये सब भी पहनने लगी जी ये मेरा नहीं है ये कहां से लेके आया आप मैं क्यों लाऊंगा इसे तो मैं क्यों लाऊंगी इसे भाई बाथरूम से मिला तो किसी ना किसी का तो होगा ये तो किसी लड़की का मां तूने मेरा टॉप देखा है पता नहीं कहां खो गया ये रहा मेरा टॉप आप क्या करेंगे लाइए बचना दीवानों ये तू पहनता है हां लेटेस्ट फैशन है आपको पसंद है आपके लिए भी ले आऊंगा दो अच्छा मां मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं बहुत बड़ी इंटरव्यू है आज मुझे आशीर्वाद दो तू ये पहन के बाहर भी जाएगा हां अगर बाहर नहीं गया तो आपके लिए कैसे लाऊंगा दो अच्छा मैं चलता हूं तू ऐसे ही बाहर गया तो मेरी नाक कट जाएगी शर्मा जी कट गई नमस्ते नमस्ते मिश्रा जी हाय हैं ये क्या पहन रखा भाई इसने अच्छा आपको भी पसंद आया मैं पापा के लिए दो ला रहा हूँ आपके लिए भी ले आऊंगा दो क्या व्हाट अ कूल टॉप एक मेरे लिए भी प्लीज ऑफ कोर्स चुप ये टॉप अपने बाप को पहनाना ये भी ओके है और शंकर हाँ जी इसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ समझे चलो जी हम तो लड़का देखने आए थे बाय
हसो और हसो। I'm sorry, तुम्हें बहुत ट्रबल दे रही हूँ। हाँ वो तो दे रही हो, पर इस हंसी के लिए कोई भी ट्रबल, नो वरी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। क्या घर है राहुल का, ये तो महल है महल। जेनी इस महल में बहुत खुश रहेगी राजू। वो क्रिश्चियन छोकरी पीताम्बर जालान के घर की बहू कभी नहीं बन सका। ये तो देवी माँ की कृपा है कि भैरव सिंह ने इसे स्टेशन पर देख लिया और जबरदस्ती उठाकर यहां ले आया, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। सर जी ये तो अच्छा हो गया, और ये होना था क्योंकि आपके कुंडली में आपका बुध अपने घर आए हैं। बुध घर आया है तो कुछ देख के जाएगा, मगर ये बुद्धू घर का सब लेख के जाएगा। ये मुसीबत भी अभी आनी थी जब इलेक्शन सर पर है, बस अब ये वापस कनाडा जाएगा। दिस अनफेयर डैड। भैरव सिंह हुकुम। लिहाज मत करना कि ये मेरा बेटा है। राजपूत हूँ हुकुम, वचन देता हूँ परसों क्लब हाउस का फंक्शन खत्म होने के बाद मैं खुद इसे लेकर कनाडा उड़ जाऊंगा, और जब तक इसके दिमाग से जेनी का भूत नहीं उतर जाता ये इंडिया में नहीं उतरेगा। She's a great girl. मैं इसे बहुत चाहता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और भैरव सिंह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, क्यों भैरव सिंह? हुकुम आपके एक इशारे पर ये चीज क्या है, इसके बाप की गर्दन उड़ा दूं। नारायण क्या बोला? ये रिंग टोन चेंज करो, चेंज करो। हेलो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर पीताम्बर जलान का प्रेजेंट सेक्रेटरी शेषाद्री बोल रहा हूँ। पीताम्बर को फोन दे। नारायणा सर जी आपका फोन है। हेलो मैं साजिद डॉन बोल रहा हूँ। मेरा फोन अवॉइड करते हो? नहीं नहीं डॉन भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल जरा इलेक्शन में बिजी था। खबरदार पीताम्बर। मेरे एक इशारे पर गोलियों की बौछार करने को तैयार रहते हैं मेरे शार्प शूटर्स। 10 खोखा कब भेज रहे हो? पैसा नहीं है डॉन भाई, चंदा लेके तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो चंदा लेकर मुझे भी 10 खोखा भेज जल्दी। हेलो हेलो हेलो, मेरा फोन काट दिया पीताम्बर ने, दोबारा लगा गला काट दूंगा। साजिद डॉन का फोन काटता है। डॉन बॉस पीताम्बर जी ने फोन काटा नहीं, आपका फोन कट गया है, आपका बैलेंस खत्म हो गया है। नलायको मैं बॉस हूं तुम्हारा, कम से कम मेरा फोन तो टाइम टू टाइम रिचार्ज किया करो। यस सर। गधे हैं सब, बिना गोली की पिस्तौल दिखाते रहते हैं, ना तो पैसा है ना गोलियां हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे कौन हो तुम लोग? सर हम राहुल से मिलने आए हैं। राहुल से तुम्हारा क्या लेना देना? हम जेनी के दोस्त हैं, राहुल और जेनी एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए। खबरदार जो छोरी का नाम भी इस घर में लिया तो शाम होने से पहले उस छोरी को लेके इस शहर से बाहर निकल जाओ, फिर कभी उस छोरी का नाम भी सुनाई दिया ना तो ना वो देखेगी और ना तुम दिखोगे। नाउ गेट आउट। ठीक है चल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जेनी कहाँ है? जेनी? कौन जेनी? यहाँ कोई जेनी वेनी नहीं। अरे जेनी हमारी बेटी जिसको तुम्हारा बेटा प्रेम भगा लाया है गोवा से। गोवा से? गोवा से? हाँ गोवा से। मेरा बेटा कभी गोवा गया ही नहीं और हमने कभी जेनी का नाम सुना ही नहीं, क्यों शारदा? हाँ घर में तो अब सिर्फ हम दोनों ही हैं। यहाँ कोई जेनी वेनी नहीं है। हम घर की तलाशी लेंगे। मैंने कह दिया ना यहाँ कोई जेनी वेनी नहीं है। तलाशी तो लेनी होगी। कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। देखा बच्ची भी कह रही है कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जेनी। इस गुंडे ने हमारा वेडिंग स्पॉइल किया। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? अरेस्ट नहीं करेगा तो क्या मैं छोड़ दूंगी? करके तो देखे हाथ तोड़ दूंगी। ए, नो मारा मारी, नो मारा मारी, झगड़ा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। आप बताइए सच क्या है?
सर, इन लोगों ने मुझे पाला है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और ये मुझे टोनी से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आप किसी और से प्यार करती हैं? डोंट वरी, शी डजंट। यस। कौन है वो जिसे आप प्यार करती हैं? प्रेम। देखा, ये अपने लिए लड़की को भगा के लाया है। प्रेम, तुमने मुझसे झूठ बोला? देखा रेडी, दे लवर्स। मुझे सच बता, कुछ करता है ये? क्या हो रहा है? फिर तो तुम शाउट क्यों नहीं करता है? तुम भी शाउट करो। अरे शाउट करने लायक छोड़ा ही क्या तुम्हारे बेटे ने? शांत शांत शांत, चुप क्यों नहीं रहते आप लोग? ए, तुम बताओ सच क्या है, वरना मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। बोलो प्रेम, तुम मुझे कितना चाहते हो, बताओ सबको। मैं क्या कहूं, कितना चाहता हूं, बस यही जेनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जेनी सब कुछ है मेरे लिए, मेरी खुशी, मेरी लाइफ। बस ओवर एक्टिंग कर रहे हो। इंस्पेक्टर सर, सुन लिया आपने? झूठ झूठ बोल रहा है ये दोनों। आप तो इंटेलिजेंट है इंस्पेक्टर, आप टोनी और जेनी का शादी करा दीजिए, गॉड आपको ब्लेस करेगा। शट अप, मैं इंस्पेक्टर हूं, कोई पादरी नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए। चलो चलो। सॉरी प्रेम, राहुल का नाम नहीं ले सकती थी, यू नो व्हाई, इसलिए। कोई बात नहीं जेनी। तू जेनी से बात क्यों नहीं करता? क्या माँ? कि तू उससे कितना प्यार करता है। अरे नहीं, मैं कहाँ जेनी से प्यार करता हूँ, वो तो इंस्पेक्टर के सामने थोड़ी एक्टिंग कर रहा था, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। जेनी अच्छी लड़की है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं उसे बात करती हूँ। अरे नहीं माँ, जेनी राहुल को चाहती है, वो बहुत बड़े घर का लड़का है, और तो और वो उसे ऐसी गाड़ी दे रहा है, वो क्या कहते हैं, फरारी। फरारी? हाँ वही 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 वही। देखा माँ, जिस गाड़ी का नाम मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, वो ऐसी गाड़ी उसे गिफ्ट कर रहा है। जेनी राज करेगी माँ, आओ हम प्लेट धोते। मुझे उससे बात तो करने दो। अरे माँ, तू क्यों उस पर इमोशनल अत्याचार करने पे तुली है? जेनी मुझे दोस्त समझती है, अब हमारी दोस्ती पे तो आग मत लगा। जेनी राहुल के साथ बहुत खुश है, और वो खुश तो मैं खुश। तू सचमुच खुश है? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूं। जल्द से जल्द पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मैं इस पीताम्बर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। ये पीताम्बर का बच्चा अच्छा, हम पीताम्बर के लड़के राहुल को उठाएंगे। वाह। कल इसी क्लब हाउस में राहुल का बर्थडे फंक्शन है, यही मौका है दोस्तों। हमारा ड्रेस होगा ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक बो। करेक्ट। और सबके चेहरे पर होगी फ्रेंच बियर्ड, और फ्रेंच बियर्ड के साथ एक काला मस्सा इधर। राइट। इससे हमारा गैंग एकदम अलग लगेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और हम धीरे धीरे राहुल को घेरेंगे और मौका पाते ही उसे उठा लेंगे। एनी डाउट? नो सर। और जेनी? जेनी? जेनी को तो मैं ऐसे बदल दूंगा कि वो स्टाइल क्वीन कटरीना कैफ लगेगी। टच मी टच मी टच मी। लेट्स गो। ही इज अ सेक्सी सेक्सी, ही इज अ सेक्सी सेक्सी, ही इज अ सेक्सी सेक्सी। आई टोल्ड यू, फ्रीक 'एम ऑफ समथिंग, डोंट स्टॉप, गिव 'एम व्हाट दे वांट एंड डोंट स्टॉप, लक नु हिला दे एंड डोंट स्टॉप, सबको दिखा दे एंड डोंट स्टॉप, धरती हिला दे, आहा ना दे ले शिकारे, यू नो क्लब नु हिला दे, नच के दिखा दे तू सोनिया, धरती ला दे, दस
सबको दिखा दे तू सोने मैं तेरा धड़कन तेरी ये दिन तेरे रातें तेरी अब बचा क्या अब बचा क्या हर घड़ी खुद से ही मैं करता रहूं बातें तेरी अब बचा क्या अब बचा क्या इश्क का रोग है ये ऐसा जोग है ये इससे बचने का अब आसान नजर नहीं आता यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है कुछ यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है सर्दी ला दे ला दे लश्कारे रब नू हिला दे नच के दिखा दे तू सोने धरती ला दे दशवा ला दे लश्कारे रब नू हिला दे सबको दिखा दे तू सोने तेरी चाहतों से दिन शुरू मेरे रूबरू हो तू ही तू तेरी सोच हो तेरा साथ हो अब हर घड़ी तेरे बाद में तेरी याद में खोया मैं रहूं और ये कहूं मेरे सामने तेरी बात हो अब हर घड़ी दिल पर यारी में यार खुमारी में चाहे कुछ भी हो दिल के पार नजर नहीं आता कुछ यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है कुछ यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है You got it bad, you got it good You got my whole world in hand and it's true See, I'm a nasty girl, gonna do as you please See, I'm in love with you and I'm down on one knee Begging you, boy, to take me home with you So I can show you good time and make your dreams come true I'm gonna lick my lips, I'm gonna swing my hips And that's the way you like it, boy Meri aashiqui ka hai sila Meri chaahaton ko tu mila Teri mehfile, meri manzile ab ho gayi तेरे ख्वाब है बेहिसाब है तेरी दीद है मेरी ईद है परेशानियाँ और मुश्किलें सब खो गई इश्क तो जादू है बस बेकाबू है इश्क के जादू में कुछ दुश्वार नजर नहीं आता कुछ यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है कुछ यार नजर नहीं आता घर बार नजर नहीं आता संसार नजर नहीं आता जब प्यार होता है राहुल भैरव सिंह राहुल कहाँ है राहुल जैनी राहुल जैनी राहुल क्या क्या कहा मारा बेटा अरे भगवान मातम शुरू मत कर कुछ नहीं हुआ थारे बेटे को सिर्फ हाथ की नस काट ली है जैसे हमारी नाक काटती है हाँ बोलो कहाँ आना है हाँ हाँ पुलिस को खबर नहीं करेंगे अरे भाई आ रहे हैं हम उसका ख्याल रखना आइए आइए बड़ी देर कर दी आपने कहाँ है मेरा लाल ये रहा लाल इस लाल खून के साथ साथ चलते जाइए आप अपने लाल तक पहुँच जाएंगे मेरा लाल नमस्कार जी डॉक्टर को बुलाया था इतना सारा खून देके बेहोश हो गया बेचारा वो पड़ा है देखो नारायणा तू हाँ मैं तूने उठाया राहुल को क्लब से हाँ लेकिन उसकी हेल्प करने मुझे क्या पता था कि अपनी नस काट लेगा इसलिए मैंने आपको फोन किया ताकि आप उसकी हेल्प कर सके मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए मैं चला कटे नहीं जा बेटा कटे नहीं जा तेरा बाप कमीना है हम सब जानते हैं लेकिन माँ की बात तो मान जा नहीं मैं जय से बहुत प्यार करता हूँ जेनी मेरी जान है शी इज माई लाइफ वो मेरी सब कुछ है क्या कर रहे हो जेनी इतना खून बॉडी में नहीं होता है लेकिन बकेट में तो है जेनी के बिना मैं जी नहीं सकता अगर इतना खून बहेगा बेटा तो जेनी के साथ भी नहीं जी पाएगा कहा तो था मैंने कि तेरी शादी करा देंगे डैडी के ब्लेसिंग के बिना हम शादी नहीं करेंगे सुन ली थारी अरे तुम लोग की थारी मारी में बेटा मारा जाएगा खून
खून की धारा, किसने किसको मारा? तुम कौन हो भाई? मैं खबरदार न्यूज चैनल का सनसनाटा रिपोर्टर तैनात सिंह। इनको भगाओ, इनको भगाओ यहाँ से। नो वरी अंकल, मैं एक शरीफ आदमी को बदनाम होने नहीं दूंगा। तुम जानते हो कितने महान है? नहीं जानता। नहीं जानते तो रहने दो बेटा। ऐसे कैसे अंकल, कोई पीताम्बर जलान की चड्डी उतार दे और मैं देखता रहूं। अच्छा तो ये पीताम्बर जलान है, तो वो कौन है? अरे उसको तो छोड़ दो बेटा। नो वरी अंकल, आपके इकलौते बेटे राहुल ने अपनी नस काट ली, ये बात मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अच्छा इनके बेटे ने नस काटी, लेकिन क्यों? अरे कम से कम उसको तो छोड़ दो। नो वरी अंकल, मैं जानता हूँ रिपोर्टर मुझे क्या उगलवाना चाहता है, यही कि राहुल एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता है और आपको ये शादी मंजूर नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अरे नो वरी, नो वरी बोल के सब कुछ तो बोल दिया। और अब ये टेप बोलेगा, वो भी सारे न्यूज चैनल पर, ब्रेकिंग न्यूज, प्यार का दुश्मन, पीताम्बर जलान। सर जी उसे रोकिए, अगर ये खबर बाहर आएगी तो आप जरूर इलेक्शन हार जाएंगे। ये टेप मुझे दे दो, लाओ। नहीं। नो वरी अंकल, मैं आपको इलेक्शन हारने नहीं दूंगा। ए दादा, चल मेरे साथ। हाँ, लेकर आना। बधाई हो अंकल, बधाई हो, ये टेप देने को तैयार हो गया। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, लाओ टेप दे दो। लेकिन इनकी एक छोटी सी शर्त है अंकल। क्या? कि राहुल और जेनी की शादी धूमधाम से हो, डांस और म्यूजिक के साथ, और ये शादी का ऐलान सारे न्यूज चैनल्स में होगा। बिल्कुल भी नहीं, अगर ये शादी हो गई तो बरादरी में हमारी पगड़ी उछल जाएगी, और अगर ये शादी नहीं हुई तो तारी चड्डी उतर जाएगी। अब आप ही सोचिए क्या बचाना है, पगड़ी या चड्डी? चड्डी, चड्डी सर। सर नंगे हो तो परवाह नहीं, लेकिन बस ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर टेप टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। नो वरी अंकल, फिर नो वरी, ये टेप टेलीकास्ट नहीं होगा, अब टेलीकास्ट होगा तो शादी का टेप। मुबारक हो अंकल, मुबारक हो आंटी, मुबारक हो राहुल। थैंक यू फ्रेंड। शादी मुबारक हो जेनी। थैंक्स। मैं भी थैंक्स। कैसा है? इट्स ब्यूटीफुल। कितने का है? छोड़ो ना, पहले पहनो तो सही। कम ऑन, गेट अप, थोड़ा टैन करो। बताओ ना क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? यहाँ कोई नहीं है, कैफे बंद है। जेनी, सॉरी। प्रेम, कम, तुम कहाँ चल गए थे? ये जेनी के लिए। देखो ना, राहुल आया है। ब्यूटी 1.5 करोड़ का है। क्या? मुझे अच्छा लगा, मैं ले आया जेनी के लिए। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, क्या लाया जेनी के लिए? ओ हाँ, मूंग दाल के पकोड़े और पुदीने की चटनी, जेनी को बहुत अच्छे लगते हैं। I'm sorry. Hey. Rahul. Sorry. One minute, Prem. I just remember I got a phone call from the USA and we have to speak to them about reservations. ये VIPs की लिस्ट है, इनको अलग बिठाना। किसी को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे? सर जी, आपका फोन। हेलो। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं पीताम्बर, पर दुल्हन तो मेरे पास है। हाँ? और इस बार कोई गलती नहीं की है, ओरिजिनल जेनी को ही उठा लाए हैं हम। ये ले, बात कर। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज अंकल, अंकल। सुन लिया? अब जल्दी से 10 खोखा भेज, नहीं तो लड़की की लाश भेजता हूं शादी के मंडप में। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई शादी। क्या हो गया सर? जेनी को साजिद डॉन ने किडनैप कर लिया। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसमें क्या अच्छा हो गया? कल शादी है, आज बहू किडनैप हो गई, क्या अच्छा हुआ? सर हमारी जनता इमोशनल है, आपकी बहू किडनैप हो गई, लोग सेंटिमेंटल होके आपको ही वोट देंगे, सिंपैथी वोट, जीत हो गई पक्की। वाह क्या बात है। इधर जेनी की जान खतरे में और तुम लोग पैसों के बारे में सोच रहे हो? बात वो नहीं है प्रेम। बात कुछ भी हो, तुम लोग जाके पैसों की अरेंजमेंट करो और हम जाके जेनी को छुड़ा लेंगे, फिर देखेंगे। प्रेम तुम समझ नहीं रहे हो, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है यार। होती होगी राहुल, लेकिन जेनी की जान से बढ़कर नहीं है।
कौन हो तुम लोग? हाँ कौन है बे? कौन है रे, कौन है? पीताम्बर सेठ ने पैसे भेजे हैं जेनी के लिए 10 करोड़ रुपया। प्रेम हाँ दिखाओ बैग में क्या दिखाओ। हम नौकरों से बात नहीं करते, जाके अपने बॉस को बुलाओ। अरे मैं ही बॉस हूँ। लुक क्या दे रहा है? बॉस मैं भी हूँ, ये देख। हम बॉस लोग की पर्सनैलिटी होती है, रोब होता है, आवाज में दम होती है। क्यों पंडर लोग सहकारा? हाँ बात तो ठीक है। क्या ठीक है? रोटी कौन देता तुम लोग को? रोटी आप ही देते सर। सही बात है। तो उधर बोल। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, ये जो भी है जैसे भी है हमारे बॉस यही है। अच्छा चलो बैग डालो, पैसे बैग में, चलो चलो सब डालो डालो। ए खबरदार जो बैग को हाथ लगाया। ए बिग बॉस पहले बोल जेनी का है। जेनी जेनी कम जेनी 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 प्रेम जेनी प्रेम जेनी प्रेम जेनी। आई न्यू इट, आई न्यू इट तुम आओगे। अरे तुम प्रॉब्लम है और मैं ना हूं। चलो जेनी चलते। ए बिग बॉस पैसे रख दिए, हम जा रहे हैं। ए रुको। साजिद डॉन नाम है मेरा, मुझसे होशियारी नहीं, मुझे धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। पहले पैसे चेक करूंगा। गिनो रे। यस सर। सर पैसे बरोबर है। पैसे बरोबर है? हाँ 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 पैसे बरोबर है। बरोबर है। हाँ सर, हजार हजार के नोट है सर। बिग बॉस पैसे ठीक है, अब तो माफ कीजिए। कोई मिस्टेक तो नहीं? नो सर, एक एक नोट गिने हमने, एकदम कड़क कड़क गर्मा गरम, लगता सीधे बैंक से आ रहे हैं सर। वहीं से तो लाए हैं। जाओ माफ किया, जाओ जाओ। ओए पंडर लोग, बिग बॉस पैसे बांट रहे, आओ कड़क कड़क गरम गरम। सर सबसे अच्छी बात यह है कि सब नोट एक ही नंबर के हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। सारे नोटों पर एक ही नंबर? जी हाँ। जी के बच्चों पकड़ो। अरे सर क्या कर रहे हैं सर, 5 ही गोलियां थी अपने पास, अब 4 रह गई। 4 के लिए 4 ही काफी है रॉबर्ट, चलो। दूसरी तरफ प्रेम रोक, नहीं तो इसे मार दूंगा। जेनी क्या कर रही है? सॉरी प्रेम। ओके संभाल के।
अरे जेनी, I'm sorry. क्या कर रही है? मैं हेल्प कर रही है. हाँ. कोने में जाके बैठ जा. स्टॉप! जेनी, तू किसकी साइड में? तुम्हारी साइड में हूँ. कोई कंफ्यूजन नहीं है. लॉक कर दो. इधर ले. हे पापा, अबे रुक, पापा है मेरे. नमस्ते. आप यहाँ कैसे? पाइप से चढ़ के आया. अरे वो नहीं यार, आप डेंजर में क्यों आए? तू चार दिन के प्यार के लिए अपनी जान पे खेल रहा है. तू तो मेरा अपना खून है रे, क्या मैं तेरे लिए डेंजर से नहीं खेल सकता? हुआ क्या डायलॉग मारा है? फिर से मारिए. तू चार दिन के प्यार के लिए अपनी जान पे खेल रहा है. तू तो मेरा अपना खून है रे, क्या मैं तेरे लिए डेंजर से नहीं खेल सकता? आहा, खेलो, खूब खेलो, मिलके खेलते, चलो. अरे अरे अरे, सॉरी सर, सॉरी. ओह माय गॉड. क्या कर रही है जेनी? सॉरी प्रेम. नीचे कर, नीचे कर, नीचे नीचे. हाँ, प्यार से, प्यार से, आराम से कर. हट जा! जान बची लाखों पाए. ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए. कोई अपनी जगह पे हिलेगा नहीं. जेनी, रुक जा, जेनी रुक जा, पुलिस आ गई. थैंक यू प्रेम, तुमने साजिद जैसे क्रिमिनल को पकड़वाया. पकड़े रहना, छोड़ना नहीं. चक्कर आ रहे. शट अप. कल हमारा फोटोग्राफर तुम्हारी फोटो खींचेगा जो अखबार के फ्रंट पेज पे छपेगी. वेल डन, कीप इट अप. प्रेसिडेंट, यस. वाह प्रेम, तेरा सपना पूरा हो गया. अखबार में तेरी फोटो छपेगी. तेरी माँ बहुत खुश होगी बेटा. और आप पापा? मैं डबल खुश. अरे लुक क्या दे रहा है, गले मिल. सर जी, सर जी, अग्रवाल साहब आ रहे हैं. आइए आइए अग्रवाल साहब, आइए. वालों को भी देखो, सब इधर ही भीड़ लगा खड़े. क्या हुआ जेनी? यू लुकिंग लॉस्ट. आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए. जिसे तुम चाहती हो उससे तुम्हारी शादी हो रही है, और क्या चाहिए? Thank you.
जेनी। हाय। बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मी डैडी नहीं आए? हाँ वो आते ही होंगे। और हमारा हैप्पी क्लब? आए हैं, यहीं कहीं होंगे। मुबारक हो जेनी। हमेशा खुश रहना चाहिए। चलो इस बहाने हमारी दोस्ती तो होगी। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। तुम प्रॉब्लम में हो और मैं ना हूं, क्या फर्क पड़ता रहा? ऊपर वाले ने तो जेनी के साथ तेरा नाम लिखा है ना। जेनी के लिए मैं कुछ कुछ भी कर सकता हूं। जेनी क्या हुआ? कुछ नहीं। योके ना? हाँ सुनो, मीडिया वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? हमने मीडिया से कहा है, मेरे डैडी ने तुम्हें साजिदौन से बचाया है, उसे अरेस्ट भी करवाया, ये वो तुमसे सुनना चाहते हैं, कह देना। लेकिन वो तो प्रेम ने। हाँ हम जानते हैं प्रेम ने सब किया है, लेकिन तुम्हें वो कहना पड़ेगा जो हमने कहा है। दिस इज रॉन्ग, ये तो प्रेम ने किया है। अब तुम प्रेम की नहीं, इस घर के बारे में सोचो। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी ये कहने से इलेक्शन में डैडी को फायदा होगा, वो जीत जाएंगे। राहुल, प्रेम ने बिना खुद का सोचे हमेशा दूसरों की मदद की, हमारी मदद की। इस चक्कर में बदनाम भी हुआ, आज बेचारे का थोड़ा नाम हो रहा है, हम उसे वो भी छीन ले। डोंट आर्ग्यू जेनी, प्रेम के साथ बात हो गई, जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा उसने? उसने कहा अभी जेनी का घर है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ऐसा क्यों कहा उसने? कम ऑन जेनी, वो तुम्हारी परवाह करता है, केयर्स फॉर यू। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। He's my best friend. No complaints, no demands. उसका नाम है प्रेम। हैप्पी क्लब का प्रेसिडेंट प्रेम। लेकिन जेनी तुम मेरे बारे में कुछ? इस बेचारी की भी बहुत हेल्प की, इसको भी बचाया था प्रेम ने। जेनी बेटी? हाँ, इन्हीं से बचाया। इन्होंने अपने बेटे को बंद करके रखा था ताकि वो मुझसे शादी ना कर सके, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। लेकिन डैडी तो मान गए अपने फायदे के लिए, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। जेनी प्लीज डोंट लीव मी, आई लव यू। नो यू डोंट, यू लाइक मी, मुझसे प्यार नहीं सिर्फ पसंद करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लव लाइक, I just don't understand. तुम पागल हो गए हो? You've gone mad. Yes, I've gone mad. I'm madly in love with Prem. Huh? Goodbye. Good luck. Jenny. Prem कहाँ है? पता नहीं Jenny. पता नहीं? What do you mean? तुमने आने में देर कर दी Jenny. वो तो चला गया. कहाँ गया? कब आएगा? कोई नहीं जानता.
गुड आफ्टरनून जीसस जी। नो माय सन, मैं एक एक्टर हूँ। एक नाटक में जीसस का रोल प्ले कर रहा हूँ। इस एड्रेस पर जल्दी पहुँचना था, इसलिए ऐसे ही निकल आया। रास्ता भटक गया हूँ। कैन यू प्लीज हेल्प मी? अरे ये तो शहर के अंदर है और मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने तय किया है मैं वापस शहर नहीं जाऊँगा। प्रेम, तुम सबकी हेल्प करते हो, मेरी भी हेल्प करो प्लीज। गॉड विल हेल्प यू। कम ऑन, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। कम ऑन। बस बस बस, हम पहुंच गए। पता चर्च का बताया, रोल जीसस का कर रहा है। क्या एक्टर है यार। अच्छा सर, चलता हूं। होल्ड दिस माय सन। अरे सर, ये भीम से संभालो। सर मैं अभी आया। मैं सर कहां गया यार, नाम ही नहीं पता। मैं अरे ए, अरे मैं ओए अबे रुक जा यार। मैं जीसस जी जेनी प्रेम। जेनी जेनी तुम यहां? मैं तुम क्यों प्रेम, जेनी के हार्ट में फिक्स कर दिया ना तेरा फोटो परमानेंटली। तो ये थी दुनिया की सबसे स्ट्रेंज प्रेम कहानी, जहां बिना आई लव यू कहे प्रेम को जेनी मिल गया। लास्ट स्टोरी विदाउट आई लव यू, ये तो सबसे बड़ी स्टोरी है। और आज माउंट वैली के लोग हमारे हीरो प्रेम की शादी में गया है। तुम भी जाओ, गो गो रन रन। आप नहीं चलेंगे? यू रॉटन एग डम फेलो। अब हम जाएगा तो इधर कौन खड़ा रहेगा? तुम्हारा फादर? नो। क्या हमारा फादर? नो 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 नो। गो। एक्सक्यूज मी सर। अब आप दोनों यहां साइन कर दीजिए। अच्छा पहले साइन कर ले, साइन कर। यस जेनी, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू जेनी, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? साइन करो ना बाबा। लिखे तो साइन करो ना। राजू, हाँ? मैंने जेनी को आई लव यू बोल दिया। लो भाई, अब जाके बोला है आई लव यू। अगर और दो साल बाद बोलता ना तो तेरे बच्चे भी सुनते। हटना हटना। ये क्या कर रहा है बेशरम? पापा लुकिया दे रहे हो, कृष्ण लोग पे चलता है। मिला हूँ।
पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले ना होता था हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ तेरा खोने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ आँखों से छू लूं के बाहें तरसती है दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ आओ के शबनम की बूंदे बरसती है मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ बाहों में डाली बाहें बाहों का जैसे हार तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ Come and feel me, come on, heal me.